आज फ्रेज होस्टिंग की तकरीब है फरहत खान साहिबा की जानिब से यहाँ पे न्यू जर्सी में सिटी काउंटी ऑफ बर्गन के अंदर ये रखी गई है। माशाल्लाह सलमान अहमद साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया, और दीगर पब्लिक भी आ गई है काफी लोग। यहाँ बहुत बड़ी तकरीब हो रही है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, 14 अगस्त, ये हमारी 76वीं सालगिरह हम मना रहे हैं यहाँ पे न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में काउंटी ऑफ बर्गन में। फरहत खान साहिबा और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ बहुत ही मशहूर हैं अपने सोशल कामों में और अपने कल्चर के कामों में और कम्युनिटी को इंगेज रखने में और जोड़ने में, तो उनकी जानिब से ये प्रोग्राम है। ये सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आपको बाकी प्रोग्राम की तफसीलात बताएंगे इंशाल्लाह। Most of them have been delivered already, but just to reiterate a few points, as been stated already, Pakistan came into existence. Here, Sir John was wonderful. The waivers, the flag waivers, I saw all the moms and grandmoms pushing them forward. That was very good. And of course, the dancing. I mean, we probably will not see Jim Tedesco dance for another year. We are pleased and proud to celebrate Bergen County's first flag raising for Pakistani Independence Day. In August 1947, after 300 years of British Empire. And flag raising ceremony. First off, we would like to thank Bergen County Executive Jim Tedesco and the Board of Commissioners for recognizing our community on this momentous day. Yeah! रेजिंग डे के मुताबिक तकरीब है रहमान रही जी। आज यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान की परचम कुशाई की तकरीब थी, और जो काउंटी एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमारी कम्युनिटी को, कंसलेट की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और तमाम अपने वतन को खुशन बर्गन काउंटी में हमें जो पाकिस्तानी है उनको दस्तिया बनी। थैंक यू सो मच। Okay.
देखें ये खास करके आज जो हमारे जश्न आजादी की फ्लैग राइजिंग की जो तकरीब है उसमें फहमीदा ने खास करके ये ड्रेस सिलवाया है, कराची से लाई है। तो फहमीदा ये बताएं कि ये कैसी तकरीब लगी आज की? ये आज का प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पे अमेरिका में और बर्गन काउंटी में जो ये बर्गन कल्चर सेंटर के थ्रू कोशिशों से ये प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा। सबने बहुत इंजॉय करा और एक पाकिस्तान वाली हमारी फीलिंग जो है ना यहाँ हमको महसूस हुई, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से। और हमने माशाल्लाह दो तीन ये जश्न आजादी के प्रोग्राम अटेंड कर लिए। अभी यहाँ ये तो ऑफिशियली एक टाइम का ये प्रोग्राम था, वो हमने प्राइवेटली जो घर में हमारे फ्रेंड और फैमिली से मिलके जो एवरी ईयर करते हैं। अनिला इधर आइए, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे जो पे। अनिला आप ये बताइए कि ये कैसा आपको प्रोग्राम आज लगा? और माशाल्लाह आप तो इस टीम का हिस्सा भी है जो ऑर्गेनाइज कर रही है उसके साथ जो है भरत खान वगैरह के साथ, तो माशाल्लाह कैसा रहा प्रोग्राम? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम जो है ये जैसे बर्गन काउंटी में इसको रिकग्नाइज किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा। और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के साथ हमारा दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में ये 14 अगस्त का तो वहाँ पाकिस्तान में तो एक तकरीब मनाते हैं, आपने भी 3-4 तो बनाई नहीं है तो वहाँ को जो जो आप गए थे कल उधर भी, और एक फायर वाला वर्क जो था वो ये तीसरी नेक्स्ट संडे भी है। जश्न आजादी के 4 प्रोग्राम माशाल्लाह। हम पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू खान साहिबा, हमारी यहाँ की न्यू जर्सी की बहुत ही सोशल और बहुत ही एक्टिव हमारी ये जो है ऑर्गेनाइजर है, सारे प्रोग्राम करती हैं, तो आज ये प्रोग्राम का सेहरा भी उनसे ही जाता है। फरत खान साहिबा आज की कामयाबी पर मैं मुबारकबाद देते हैं और बधाई आज के प्रोग्राम को बड़ा जबरदस्त अरेंज करने में आपने क्या क्या किया? इस प्रोग्राम को करने के लिए तकरीबन 4-5 साल लगे हैं प्रूफ करने के लिए। वो इसलिए कि यहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपना प्रोग्राम करते थे, इंडिया पाकिस्तान चाइना सबका होता था लेकिन हमारा नहीं होता था। लेकिन मुझे फील होता था कि हमारा भी होना चाहिए था कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रूफ कर दिया, जिसकी वजह से आज हमने फर्स्ट टाइम यहाँ प्रोग्राम दिया और माशाल्लाह बहुत से लोग आए और ऐसे लगा था जैसे पाकिस्तान का समय। मेरी सीटें नहीं थी बैठने के लिए। हाँ सीटें नहीं थी। और दूसरा ये बता दूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट लेवल पे आपने करवाया है। इन्होंने आपने ये पहले तो सोशल इदारे करते हैं मगर ये इन्होंने यहाँ के जो बोर्ड जो है यहाँ का उन्होंने किया ये सारा। बहुत माशाल्लाह। मेरे साथ सोफिया है तो सोफिया आप बताइए बेटा कैसा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से कोशिश है ये कि ये हो जाए, तो हम बहुत बहुत खुश हैं कि आज ये हमारा ख्वाब पूरा हुआ है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बर्गन काउंटी में रह के कि हमारा पाकिस्तान। आप भी बताइए तो। मेरा नाम गजाला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, 5 सालों की बेहद कोशिश के बाद अब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ की
यू नो सिटी हॉल के साथ मिलकर काम करें और ये फर्स्ट टाइम फ्लैग इंडिया पाकिस्तान के जिसके लिए हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार करते हैं और आल्सो मेम्बरान का जो सिटी हॉल में काम करते हैं और सब अपने जिन्होंने हेल्प की है और माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल गया है और एवरी परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड एवरी स्पीच वॉज वेरी गुड और ऑनर किया गया जिन लोगों ने अच्छा काम किया था कई सालों से तो दे रिकॉग्नाइज देम टू रियली रियली इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट आपको माशाल्लाह बड़ी फाल है इस बड़ी मेन अहदेदार है और आप तो जितनी भी तकरीबात होती है कम्युनिटी की और कम्युनिटी को एकजा करती है आपका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ओके अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब हमारे साथ है एक सोशल फिगर है हमारे यहाँ की आफ्ताब आज की तकरीब के बारे में बताओ क्या कैसे रही बहुत जबरदस्त रही है और पहली दफा हुआ है यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं था कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई बहुत अच्छी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई है हमारी कम्युनिटी की फर्स्ट था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा ये भी सुना है कि ये अपने गवर्नमेंट लेवल पे ये पहली तकरीब है गवर्नमेंट ने खुद की है हमारे इधर के साथ मिलकर यहाँ के काउंटी बोर्ड ने ऑफिशियली ये पहली दफा हुआ है यहाँ पे यहाँ के जो काउंटी है इनकी तरफ से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया सारा और हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काउंटी के सारे अहदेदार पाकिस्तान के जो एक्टिंग कौंसल जनरल वो भी थे यहाँ पे नवाब आदिल खान भी आए थे सारे यहाँ के लेजिस्लेटर सारे सब मौजूद थे हमारी एक पाकिस्तानी असेंबली वुमेन है वो भी थी यहाँ पे शर्मा हैदर भी थी बिल्कुल बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया नो सम फ्यू वर्ड्स अबाउट अवर फ्लैग राइजिंग Today was a very special day for the Pakistani community and for Bergen County to celebrate the first flag raising and the independence of Pakistan, and most of all to see how many people came out today and to celebrate and to say that we can all live together, we can all get along, and that this is what makes Bergen County so great. And that's why everybody wants to keep coming to Bergen County because of you and your all the team very cooperative us. For organizing this mega events. Thank you. Khwaja sahab, yes, please say something. You also say something. Hello everyone. Khwaja sahab, jo hai hamare mashallah yahan ki New Jersey ki kya pure United States ki bahut badi shakhsiyat hai social. He's a very big social worker of our New Jersey Bergen community. Khwaja sahab, kuch alfaz kahe. Thank you for introducing me. And let me tell you one thing. I've been working with Jim from last. More than 20 years, you know, since he was in the Paramus Mayor. Since then, he has been helping us out, very cooperative. I mean, we had done tons of events together, yeah. And mega events, you know. So, listen, just keep you posted. There's something really coming, big coming out soon. So, always try to help us out, support us, you know, and also Jim. He's been always we are friendly with all our community. Yes, yes. I mean, all the time, anytime, anything you need it from him, he's there for you. Thank you so much. We are ready. Thank you to work with you. Thank to you to join you to support you. Thank you, sir. Thank you so much. आदिल खान साहब से कहा कि आप पहले पूरी दुनिया के कौंसल जनरल हैं हमारे पाकिस्तान के जो यंग है जो इससे पहले मैंने जितने भी देखे माशाल्लाह वो इसी के नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत थैंक यू नवाब आदिल खान साहब बहुत शुक्रिया आपका थैंक ये हो
excited over here. Because they're coming. Do you want sugar? 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 नाम बड़ा, नाम बड़ा अच्छा रखा है अपने चाहत। अच्छा? शुगर नहीं, शुगर नहीं डालिएगा। तो देखे ना ये भी माशाल्लाह यंग है, बहुत 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 मेरा पोता है। अच्छा माशाल्लाह बड़े यंग बच्चे हैं माशाल्लाह, आपको कामयाब करे अल्लाह ताला जी, सबको सबको लाइक जी बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत अच्छा। मेरी फैमिली पहले बोल के आई है की इनकी सबकी हेल्प करनी हो, लेकिन ले रहे हैं बाकायदा, आपको ऑर्डर करेंगे हम इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे ये इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वालेकुम सलाम, की है ठीक है ना? ना चो हमारी जमा हैदर साहिबा जो है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए और हम और सबके लिए बहुत ज्यादा काम करती है, और माशाल्लाह हर वक्त किसी भी मसले में प्रॉब्लम में उनके पास जाओ तो हाजिर होती है। तो मैं मैडम से बात करूंगा कि चंद कलमात अदा करें आज की तकरीर के बारे में। आज जी आज की तकरीर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि ये पहली बार है कि बर्गन काउंटी में ऑफिशियली पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है विद फ्लैग रेजिंग। ये हम सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक फख्र का दिन है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, और भले हम पाकिस्तानी अमेरिकन हो या ना हो, हमारा मदरलैंड तो आखिरकार पाकिस्तान ही है, तो हमें उसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। दिल तो बड़ा धड़कता है ना हमारे पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह जो है, और आप तो जितने भी हमारे कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं जो हमारे आज़ादी के या दिगर, आप माशाल्लाह सब में पार्टिसिपेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जी मेरा फर्ज है, मुझे अगर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ तो मेरे पर यह करना फर्ज हो जाता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी से करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सलाम। Oh, no.